तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में प्रमुख सूचकांक को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक बार सिर्फ देख लेंगे तो 15-16 सूचकांक जो मैंने प्रमुख तैयार किए हैं उसमें भारत की क्या पोजीशन है वो आपको एक बार में याद आ जाएगी। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तो आप दिमाग पर जोर देंगे, थोड़ा सा तुरंत आपको याद आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आते हैं पहले पर, और वो है वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है। इसके लिए आपको सोचना है 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो हर जगह तो बेईमानी भ्रष्टाचार है। तो इसको याद करने के लिए आपको दिमाग में बस यही बात, यही छवि बना के रखनी है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, और 80 की पोजिशन हो जाएगी इंडिया की और ये हो जाएगा आपका याद। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे पर। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 ग्लोबल लोकतंत्र सूचकांक जिसको कहते हैं उसमें भारत की रैंक है 51वीं। इसके लिए आप लोग 69,000 में हैं यह भी मैं जानता हूं, और आपको देना होगा धरना। लेकिन धरना देने के लिए या धरना देने के देने आज जाते हैं तो कम से कम 50 लोग आपके साथ होने चाहिए। अपने ज़िले से कम 50 लोगों को लेकर चलिए टारगेट मान के लेकर आएंगे तो आपका धरना हो सकता है। कम से कम 50 रहेंगे और एक खुद आप रहेंगे तो हो कितने जाएंगे, 51। इसको बस दिमाग में समझिएगा, क्योंकि डेमोस का मतलब, ये जो वर्ड लिखा हुआ है डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है जनता ही, पब्लिक, ठीक है। इंग्लिश में डेमोस है तो उसका मतलब जनता ही है। तो भाई जनता धरना दे रही है, कम से कम 50 लोगों को लेकर आइएगा, डेमोक्रेसी अपना दिखाना है तो, और एक लोग आप खुद हो जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 51। तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक है 51। ओके, आते हैं नेक्स्ट पर, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट चाहिए ना आपको दूसरे देश में जाने के लिए, आपके अगल बगल में कितने देश हैं गिन लीजिए, अगल बगल के जो ज़्यादा क्लोज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मिला जुलाकर 8 देश हैं। लेकिन क्या आप सब जगह जाएंगे? नहीं। आपको अगर कोई न्योता देता है तो सब जगह मत जाइए, 8 में से आधे जगह पर जाइए। यानी पासपोर्ट अगर आपको मिल गया 8 जगह का, पड़ोसियों का, तो सब जगह नहीं जाना। पाकिस्तान कौन जाएगा अपना गर्दन कटवाने? तो 4 जगह कम से कम पहुँच जाइएगा, आधे जगह जाएगा, तो 8 में से 4 जगह पर जाना है अगर आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है तो। याद रखना है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 84। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर का मतलब आप समझ रहे हैं, तो भाई जेंडर के जब भी आपके दिमाग में आए ग्लोबल जेंडर, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कहोगे आप एक, आपकी पत्नी होने वाली या आपके पति और दो बच्चे, बस एक आप, एक आपकी पति या पत्नी और दो बच्चे, हो जाएंगे 112। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जेंडर है, गैप है। तो जेंडर को सोच कीजिए कि मैं, मेरी पत्नी या पति और मेरे दो बच्चे, 112, एक एक दो, ठीक है, 112 ग्लोबल जेंडर। इसको आप मतलब एजुकेशनल पर्पज़ से लीजिएगा, समझने के उद्देश्य से लीजिएगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, मैं कह दिया कि हम परिवर्तन पसंद करेंगे, क्या हम चाहेंगे कि हमारा जलवायु बदल जाए? नहीं चाहेंगे। आपसे कोई कह दे कि आप बदली हुई परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन होना चाहिए, दुनिया नहीं चाहती कि जलवायु में परिवर्तन हो, जो सामान्य टेम्परेचर है वो बना रहे पृथ्वी का, तो क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? आप बोलेंगे नो, नहीं चाहते। तो जब भी जलवायु परिवर्तन की बात होगी तो आप डायरेक्टली बोलेंगे नो, नहीं चाहते। नो से नो, नो आप याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नो नो यानी नो। आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक। मानव का विकास तब होगा जब वो 300 दिन काम करे, आपका विकास तभी होगा जब आप 1 महीने के 300 दिन काम करें, ठीक है। एक दिन की छुट्टी ले लीजिएगा, आपका विकास तभी होगा, एक दिन की छुट्टी तो सरकारी होती है मानकर चलिए, तो 30 एक दिन की छुट्टी ले लेंगे 30 में से तो कितना बचेगा 29। तो मानव का विकास कब होगा? जब वो 300 दिन काम करे, लेकिन एक दिन की छुट्टी ले लीजिए तो 129, एक दिन की छुट्टी लिया तो कितना बचा 29, 129 हो जाएगा रैंक इंडिया की मानव विकास सूचकांक 2019 में। आते हैं अगले सवाल पर, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। टैलेंट रैंकिंग का मतलब
69 याद रखिएगा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को चार पांच बार पढ़ लीजिएगा, 59 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग याद हो जाएगा। आते हैं आतंकवाद पर। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें भाई साथ रहना होगा। अगर आपको आतंकवाद से लड़ना है, आतंकवाद को ख़त्म करना है, तो हमें साथ रहना होगा। क्या करना होगा? साथ रहना होगा कि साथ लर्न करना होगा। तो भाई इससे अच्छा है कि साथ याद ही कर लो कम से कम। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया है 7th पोजीशन पर। और भाई भूखमरी सूचकांक, भूख से मरने की बात ना हो, 100 रुपया लेकर दो बेला, जिसको कहते हैं भोजपुरी में बेला कहते हैं, दो बेला, दो बार हम कह रहे हैं हिंदी में, दो बार खा लीजिए, 100 रुपये में दो बार खा लीजिए, तो आपका भूख से मरने की नौबत नहीं आएगी। 100 में 2 बार यानी 102। तो भाई वर्ल्ड जो विश्व भूखमरी सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंक कितनी? 102। महिला शांति सूचकांक, एक महिला को शांत कहाँ रहती है यार? महिला शांत रहती है बेचारी, तीन तीन काम करना पड़ता है महिला को। ऐसे याद कर लीजिए कि एक महिला को तीन तीन काम करना पड़ता है। जब भी महिला की बात आएगी, महिला शांति की बात आएगी, तो महिला शांति इसलिए नहीं रहती, एक महिला को तीन तीन काम करना पड़ता है। घर का भी काम करना है, बच्चों का भी काम करना है, स्कूल जा रहे हैं, टिफ़िन बनाना है, सब कुछ करना है, घर वालों की और सबकी सेवा भी करना है, तो एक ही महिला को तीन तीन काम करना पड़ता है। इसलिए महिला शांति सूचकांक 133। ठीक है, आगे आते हैं गोल्ड रैंकिंग में। 10 स्थान है भारत का। तो 10 को ऐसे याद करिए, गोल्ड का मतलब सोना होता है, आप तो आप ऐसे याद कर लीजिए, गाना है 10 बहाने करके ले गया दिल, तो यार ले गया दिल हटा दो, 10 बहाने करके ले गई गोल्ड। अब है कोई आपकी जो गोल्ड वोल्ड लेकर भाग गई? आजकल के लड़कियों का क्या कहना, हो सकता है वो गोल्ड वोल्ड लेकर भाग गई हो, गोल्डन नेकलेस वगैरह दिया होगा। सीरियसली मत लीजिएगा, बस दिमाग में सोच लीजिएगा, कंसेप्ट बना लीजिएगा। ठीक है, तो गोल्ड रैंकिंग में है इंडिया की रैंक 10वीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, क्या कहना। भारत की मीडिया का आप देख ही रहे हैं, एक ही रवीश कुमार है 40 लोगों का काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो बिक ही गए हैं। तो बस ऐसे याद रखिए कि एक रवीश कुमार 40 लोगों का काम कर रहे हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 40, यानी कि एक रवीश कुमार 40 लोगों का काम कर रहे हैं, और इसी में सभी प्रसन्न हैं, खुश हैं। इसको आप दोनों को जोड़ लीजिएगा, इसी आपके 69,000 के बारे में रवि जी एक बार पोस्ट वीडियो में बोल देते हैं तो आप कितना खुश होते हैं, है ना? तो बस प्रसन्न भी हो जाते हैं 140 में। हाँ, जब प्रेस स्वतंत्र नहीं है हमारे यहाँ तो कौन सी स्वतंत्रता है, दोनों बराबर कर दीजिए 140, और उसके बाद आप शांत हो जाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, इन तीनों चीज़ों को एक साथ रिलेट करके याद करिए, और जब आप मतलब खुश हो जाते हैं कि यार मुझे 69,000 के बारे में रवि जी ने बोला, उसके बाद आप कुछ दिन शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा कर 141 शांत हो जाइए। ठीक, आगे है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो ऊर्जा अगर आपको बचानी है, मोदी जी भी कहते हैं कि भाई बिजली की खपत जो है बचाइए, बिजली को बचाइए, खपत कम करिए, सभी कहते हैं। तो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक अपने घर की लाइट बुझा दिया करिए, दिन भर में कम से कम बुझा दिया कर। सुबह 7 बजे शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाता तो उसके बाद तो जलाना है, तो भाई सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपके घर की लाइट बुझ जानी चाहिए दिन में। ठीक है, 76वीं रैंक हो जाएगी इंडिया की। ठीक, आते हैं आगे, विश्व स्वच्छता सूचकांक। तो स्वच्छता सूचकांक को भी आप याद कर लीजिए ऐसे ही कुछ करके, 57 स्वच्छता, बस 57 तीन चार बार पढ़ दीजिएगा, विश्व स्वच्छता सूचकांक 57। तो उम्मीद है कि ये प्रमुख 15-16 सूचकांक जो मैंने आपको बनाया वीडियो में बताया, अच्छे लगे होंगे, जरूर आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।